उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग को स्कूली वाहनों को चेक कर उनकी फिटनेस पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। बांदा में लगभग 300 बसें विभिन्न स्कूलों में संचालित हैं। एआरटीओ बांदा शंकर जी सिंह ने सभी स्कूलों को नोटिस भेजकर तत्काल स्कूली वाहनों के फिटनेस कराने के लिए निर्देश दिए हैं। कई बार नोटिस देने के बाद भी कुछ स्कूलों ने पिछले कई सालों से अपनी बसों की फिटनेस नहीं करवाई है। ऐसे 16 स्कूली वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। एआरटीओ बांदा ने बताया कि जो स्कूल अपनी बसों को लेकर तत्काल मुआयना कर फिटनेस किया जा रहा है, वहीं जिन स्कूली वाहनों में कोई कमी नहीं मिल रही है उसे सुधार करने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 300 स्कूली बसेस दर्ज हैं, जिसमें से 59 ऐसे स्कूली वाहन हैं जिसमें मैजिक भी हैं और बड़ी बसेज भी हैं, जिनके फिटनेस फेल और उनको दुरुस्त कराने के लिए, उनको सही कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है शासन स्तर पर। उसी क्रम में जनपद बांदा में भी यहाँ भी अभियान चल रहा है, जिसमें दो स्तर पर कार्य हो रहे हैं। एक तो ये कि सभी स्कूल्स में हमारे अधिकारी और कर्मचारी जा रहे हैं और उनको सूचना भी दे रहे हैं टेलीफोन पर उसके माध्यम से कि अपनी गाड़ी दुरुस्त करा कर ही आइए। जो गाड़ी चलने लायक है, फिटनेस करने लायक है, जो वाहन अभी 15 साल से पूर्ण नहीं हुई है समय, उनका फिटनेस कराएँ और उसको दुरुस्त स्थिति में रखें कि जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो। उसी क्रम में कुछ वाहन ऐसे हैं जिसको 3-4 बार नोटिस भेजा जा चुका है परंतु उन्होंने आज तक फिटनेस नहीं कराई है। ऐसे 16 वाहनों को पंजीयन आज हमने निलंबित कर दिया। दूसरे आपने देखा होगा कि कुछ वाहनें अभी जो आई हैं फिटनेस कराने के लिए, इसमें से अमूमन ज़्यादातर वाहनों की स्थिति ठीक है, स्पेशली हम लोग जाली और बच्चों को बैठने की आरामदायक सीटें हैं कि नहीं उसको देखते हैं, साथ ही GPS लगा है कि नहीं, और उसके अलावा जो इमरजेंसी गेट है कि नहीं है, उसके अलावा CCTV कैमरे हैं कि नहीं, इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं, फायर किट है कि नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, ये हम लोग मुख्यतः देखते हैं। गाड़ी कंडीशन किस प्रकार की, तो ऐसी स्थितियों में तो काफ़ी अच्छी गाड़ियां हैं और ठीक है। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें ये सब कमियां छोटे मोटे हैं, फिर उनको वापस कर दिया जाएगा और जब ठीक करा कर ले आएंगे। कोई नहीं देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।